दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल स्पेशल सरकारी स्कीम की जानकारी देते हैं। दोस्तों, जैसे कि मेरी पिछली लगातार जो पिछले दो महीनों से मेरी वीडियो आ रही है, वो स्पेशल राशन कार्ड और राशन ऑफिस और राशन के प्रॉब्लम्स को लेकर आ रही है। जो लोग राशन कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए मेरा चैनल ज़्यादा कारगर है। दोस्तों, और भी स्कीम्स की मैं जानकारी देता रहूँगा, जैसे 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उनके सॉल्यूशन मैं बताने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे से हो सकता है, समाधान हो सकता है, उन समस्याओं का समाधान मैं इस चैनल के माध्यम से करने की कोशिश करता रहूँगा। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार इस चैनल पर जिन्होंने विजिट की है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वो राशन कार्ड रखते हैं तो उनको तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर वो देखते हैं तो उनके फ़ायदे की बात इसमें हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में राशन कार्ड ऑनलाइन किया गया, तो जब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए, बहुत सारी समस्याएं भी सामने आई। लेकिन दोस्तों, ये होना चाहिए था कि जब ऑनलाइन किया गया तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके ऊपर राशन कार्यालय में एक तरह का इन्फॉर्मेशन काउंटर होता, एक अधिकारी होता जो स्पेशल लोगों को जानकारी देता, गाइड करता, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। हमारे एरियाज में भी, हमारे वार्ड में, हमारे शहर में भी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन काउंटर नहीं है। जो इस तरह की जो एनजीओ होती है, जो संस्थाएं होती है, वो भी इस तरह का कोई काम नहीं कर रही है। पॉलिटिकल पार्टियां भी इस तरह का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन काउंटर नहीं चला रही है, जहाँ से हम जैसे आम आदमियों की, हम जैसे आम व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों, एक ये चैनल है आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप बहुत सारी जानकारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हो। तो मैं इस वक्त सिर्फ स्पेशल राशन कार्ड पे फोकस किया हुआ हूँ, क्योंकि राशन कार्ड एक सुलगता हुआ मसला है। राशन कार्ड एक ऐसा कागज़ है, एक ऐसा प्रूफ है सरकारी, जिसके राशन कार्ड के दूसरे पन्ने पर ही, दूसरे पेज पर ही लिखा होता है, ये स्पेशल अनाज के लिए दिया गया है, दो वक्त की रोटी यहाँ से मिल सकती है। तो राशन कार्ड रखने वाले इस वीडियो को पूरा देखें। मैं पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, मैं अक्सर करके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कमेंट्स पढ़ने के बाद ही वीडियो क्रिएट करता हूँ, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान मैं उनके कमेंट्स के मुताबिक दे सकूँ। मेरी पिछली वीडियो थी, किसी ने कमेंट किया था क्या कि मेरा जो राशन कार्ड है 2015 में बना हुआ है, लेकिन मुझे अनाज नहीं मिल रहा है और मुझे अन्न सुरक्षा यानी कि लाभार्थी कार्ड में, अपने कार्ड को लाभार्थी में ऐड करना है, मुझे भी अनाज मिलना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ रास्ता बताइए। तो फिर मैंने एक नया वीडियो बनाया, जो कल आपने देखी होगी, मेरा कल नहीं सॉरी वो 5 दिसंबर को आपने देखी होंगी। 5 दिसंबर को मैंने अपलोड किया था क्या अन्न सुरक्षा में अपना राशन कार्ड जोड़े। तो दोस्तों, इसी तरह फिर मुझे और भी कमेंट्स आए आज, जो कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के ऊपर, क्या मेरा राशन कार्ड ऑलरेडी लाभार्थी में है और मुझे अनाज कम मिल रहा है, फैमिली मेम्बर्स के जो नाम है वो 5 लोगों के फैमिली मेम्बर्स के नाम है और अनाज 3 लोगों का मिल रहा है, 2 लोगों का अनाज रोका जा रहा है, तो इस समस्या का समाधान बताइए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है और हमको किस तरह से राशन ऑफिसर से, राशन दुकानदार से बात करनी है, और बात करने का जो अंदाज होगा वो कानून के दायरे में होना चाहिए, ताकि तुम्हारा एक प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो, आप उसके ऊपर दबाव बना सको एक्ट द्वारा। हमको कोई गाली गलौज नहीं करनी है, रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, हमको एक्ट द्वारा, हमको अपने अधिकार द्वारा किस तरह से हम बात कर सकते हैं उसको मैं यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये हमारे जो सीनियर हैं, उन लोगों ने हम तक के पहुँचाया है और बहुत मेहनत से उन्होंने ये GR वगैरह निकाले और मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक के पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जो वीडियोस है लोगों तक के पहुँचाने की कोशिश करो, क्योंकि हमने इसको लेने के लिए बड़ी मेहनत की है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उस समस्या का समाधान किस तरह से किया जाएगा, उस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि अनाज जो हमारे को पूरा मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं मिल पा रहा था, तो वो किस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों, जिस तरह से राशन कार्ड में बदलाव आया, राशन कार्ड ऑनलाइन हुआ, तो बहुत सारी तकलीफें भी सामने आई, लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं था, ना कोई ऐसी हमारे पास में प्लेटफॉर्म था, ना कोई NGO और ना ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ, और न किसी तरह का हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म था। लेकिन दोस्तों, आपके पास इस वक्त एक प्लेटफॉर्म है, आप एक ऐसे चैनल पर हो, सॉल्यूशन पॉइंट। ये सॉल्यूशन पॉइंट एक ऐसा चैनल है जो आपको गाइड करता है पूरी तरह से। तो दोस्तों, आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिला है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान बताने की पूरी कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि आपका इस चैनल के जरिए कोई फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, बात चल रही थी क्या राशन कार्ड में
छह फैमिली मेंबर के नाम है और नेट पर पांच का शो करता है, यानी कि एक व्यक्ति का नाम इंटरनेट पर कम बता रहा है, यानी कि जो मशीन है बायोमेट्रिक डिवाइस है राशन दुकान पे उस पर एक व्यक्ति का नाम कम बता रहे। फिर बात चल रही थी वो उस व्यक्ति का अनाज कम मिल रहा है जिस व्यक्ति का नाम इंटरनेट पर कम आ रहा है लेकिन राशन कार्ड में है, इंटरनेट पर उसका नाम नहीं आता है जिस वजह से उस व्यक्ति का अनाज ब्रेक कर दिया गया। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम ये आ रहा था, क्या पांच व्यक्ति के नाम राशन कार्ड में है और नेट पर पांच के पांच शो कर रहे हैं, एक का भी कम नहीं आ रहा है, लेकिन बायोमेट्रिक जो रखने जाता है अपना थंब मशीन के ऊपर तो वो थंब वहाँ एक्सेप्ट नहीं करता है, उसकी वजह से भी अनाज रोका जा रहा है, यानी कि दुकानदारों की अलग अलग किस्म की बहानेबाजी चालू हो गई और वो अपनी बहानेबाजी शुरू कर दी और अनाज को ब्रेक करने का काम शुरू किया। कालाबाजारी किसी ना किसी तरह से, मतलब उनको करनी थी किसी तरह से जनता के अनाज को रोक के उसको ब्लैक मार्केटिंग करना था वो अलग अलग बहानों से, और हमारे पास जानकारी ना होने के कारण हम उनके शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर है और यहाँ से पूरी गाइडलाइंस मिलेंगी आपको, जब भी तकलीफ है आप वीडियो में कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़कर ही वीडियो बनाता हूँ, कमेंट पढ़ने के बाद ही मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। पिछली कमेंट में मुझे ये आया था कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही, तो आपके सामने आज मैंने वीडियो क्रिएट की है, आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। दोस्तों एक 2013 का एक एक्ट है अन्न सुरक्षा कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा स्पेशल जो बनाया गया था तो भुखमरी पर ब्रेक लगाने के लिए, भुखमरी को रोक लगाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास है गरीब तबके के लोग हैं जिनको अनाज मिलना चाहिए दो टाइम की रोटी, वो भी कम कीमत में 2 रुपया 3 रुपये वाला अनाज मिलना चाहिए, इसलिए अन्न सुरक्षा को लाया गया 5 जुलाई 2013। इसकी अमल बजावनी जो होने वाली थी 1 फरवरी 2014 से होने वाली थी। इसके अंदर अनाज से किसी को वंचित रखने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक डीओ लेटर देने जा रहा हूँ, जो डीओ लेटर पे साफ साफ लिखा है क्या जिन व्यक्तियों के मशीन पर अनाज दिखा रहे हैं, यानी कि उन व्यक्तियों का जो थम होता है वो ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है, अंगूठा नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो RI होगा रेशनिंग इंस्पेक्टर एरिया जो ऑफिसर होते हैं राशन का, वो राशन कार्ड के लिए जो विजिट करता है घर पर आके एरिया इंस्पेक्टर, वो आपकी दुकान पर आएगा, उस कार्ड होल्डर की जगह पर उस कार्ड होल्डर के बदले में अपना थंब रखेगा, अपना ऑथेंटिकेशन करके उस व्यक्ति को अनाज पूरा देना है। ये नियम है, शासन निर्णय है, हमको जानकारी नहीं, हम डिमांड करें दुकान पे जाके, जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे तब तक मिलेगा, डिमांड करने से अधिकार मिलता है, मांगने से भीख मिलती है, तो हम डिमांड करें अधिकार की। अगर हम दुकानों से हटेंगे, राशन दुकानों से हटेंगे दोस्तों, राशन दुकानों से हटके ओपन मार्केट की तरफ जाएंगे तो ये दुकानें धीरे 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 सरकारी दुकानें बंद होंगी, फिर उसके बाद में जो ओपन मार्केट का बैलेंस है बिगड़ जाएगा। हमको इसकी अहमियत का अंदाज़ा अभी नहीं है, जब इसकी अहमियत तब हमको समझ में आएगी जब राशन दुकानें बंद हो जाएंगी और फिर हमको ओपन मार्केट से खरीदना होगा, तो ओपन मार्केट में जो 55 रुपये वाला चावल है 50 रुपये वाला गेहूँ है उसकी कीमत आसमान को उस वक्त छुएंगी जब आपको अंदाज़ा होगा इस राशन दुकान की अहमियत का। तो आप दुकानों पर जाएं, डिमांड क्रिएट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डीओ लेटर दिया हुआ है, या हमारे सीनियर्स ने हम तक के पहुँचाया और मैं आप तक के इस चैनल के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ, बड़ी मेहनत के बाद में ये सारी चीज़ें मिलती है जो मैं आप तक के पहुँचाता हूँ, हमारे सीनियर इस पर मेहनत करते हैं और मैं इस पर मेहनत करता हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों डीओ लेटर में साफ है कि आपको शासन निर्णय है क्या जिसके जिस एरिया जिन एरियाज में घोषित किया गया है क्या वो जो है एरिया के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो एरिया नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है तो ऐसे एरियाज में ऑफलाइन अनाज आके बांट के जाना है, RI ने अपने सामने बैठना है और कार्ड होल्डर्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने और उसको अनाज दे देना है, यानी कि अनाज रोकना नहीं है। जिन व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड में है लेकिन इंटरनेट पे कुछ लोगों के फैमिली में से मेंबर्स में से कुछ लोगों के नाम कम आ रही है या गलत आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को RI ने अपना थंब रख के देना है। आप देखोगे वो डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे मैंने उसकी लिंक दी है PDF, उसमें आपको नॉमिनी ऑफिसर दिखेगा, वही नॉमिनी ऑफिसर है जो RI है अपना थंब रख के अनाज देगा। जिन व्यक्तियों का नाम आ रहा है लेकिन थंब नहीं लग रहा है, वो मिस्त्री का काम करते हैं या जो भी काम करते हैं उनके जो फिंगर लॉस हो गए हैं थंब नहीं लग रहा है, उसके लिए भी रूल दिया है कि उसको भी RI देंगे, यानी कि घूम फिर कर एक ही बात आती है दोस्तों कि आपको अनाज में कमी नहीं आएगी, आपको अनाज से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये जानकारी हम तक होंगी तो हम डिमांड क्रिएट करेंगे और मैंने आप तक की जानकारी पहुँचा दी, मैंने अपना
कर्तव्य अदा कर दिया है ना, कर्तव्य निभाया मैंने, अपनी जानकारी जो मेरे पास थी, जो मेरे सीनियर ने मुझ तक दी थी, मैंने आप तक दे दी। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए, इस वीडियो को देखने के बाद आगे शेयर करें, ताकि ये जानकारी लोगों तक के जावे। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डीओ लेटर है जो मेहनत के बाद मिला हुआ है, शासन निर्णय कॉपी है, वहाँ से ले और मजबूती से बात करें अपने एरियाज में। अगर आप एनजीओ से हो तो संगठित तौर पे बात करें, आप खुद कार्ड डोलर हो तो अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो तो बात करो। लड़ने का मैंने आपको जो बताया, आपको अधिकार की लड़ाई लड़ना है, मैं इसलिए फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो राशन दुकान है ये किस तरह से ओपन मार्केट को बैलेंस करती है। इसकी अहमियत तब समझ में आएंगी राशन दुकानों की जब ये बंद हो जाएंगी, तो इसकी अहमियत को समझो और अपनी लड़ाई को जारी रखो। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक के जानकारी पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।